हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। उसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। ये पानी अब बॉईल होने लगा है, इसमें हम पास्ता डाल देंगे। इसी टाइम पे हम नमक डालते हैं इसमें और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑयल की कोटिंग हो जाती है तो और सारी चीज़ें इसमें फिर कोट नहीं हो पाती हैं। बीच बीच में इसको स्टिर करते रहेंगे ताकि ये लगने ना पाए तली में, और जब तक ये बॉईल हो रहा है, पक रहा है, तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। इसको लगभग 80% ही बॉईल करते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे। अब इसको छान लेते हैं। फिर ठंडे पानी से धुल लेंगे ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना। धुल चुके हैं, अब ये पूरी तरीके से धुल चुका है ठंडे पानी से। इसको ठंडा होने, नेक्स्ट स्टेप है सब्जियों की प्रिपरेशन। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल गरम किया है। ऑयल हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन बारीक कटे हुए हैं, इसको लगभग 1 मिनट होने देंगे। अब इसमें हम डालते हैं प्याज, कटी हुई प्याज। थोड़ी देर इसको चलाते हैं। प्याज के बाद इसी में डाल देंगे कैप्सिकम। आपके पास ग्रीन है, रेड है, येलो है, कुछ भी डालिए। और इसके अलावा जो भी वेजीज आपको पसंद है, जैसे कैरेट है, ब्रोकली है, और ये सब डाल सकते हैं, और जो मन हो उसको स्किप भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हल्का सा कुक करते हैं। थोड़ा सा क्रंचीनेस इसमें बना रहना चाहिए, पूरा नहीं पकाना चाहिए इसको। अभी हमारी सब्जियां लगभग पक चुकी हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, साइड में एक रख देते हैं। और अब हम प्रिपेयर करेंगे व्हाइट सॉस। उसके लिए मैंने दूसरे बर्नर पे एक कढ़ाई ली है, उसमें बटर मेल्ट किया है। बटर मेल्ट होने पे इसमें डाल देते हैं मैदा। याद रखिएगा, मैदे और बटर का क्वांटिटी लगभग बराबर होना चाहिए, नहीं तो इसमें क्रीम जैसा लुक नहीं आता है। अब इसको हम भूनेंगे हल्का गोल्डन होने तक, ताकि मैदे का कच्चापन चला जाए। अभी हमारा मैदा हो चुका है, इसमें धीरे धीरे करके मिल्क डालते हैं। एक साथ मिल्क नहीं डालेंगे क्योंकि तो लम्स बन जाते हैं, चलाते रहते हैं। हमारा सॉस गाढ़ा होने लगा है, इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी चीज़ डालते हैं। और ये हमारा सॉस तैयार है, बन चुका है। इसमें अब हम डाल देंगे और मिला देंगे पास्ता को, और लगभग ये तैयार है। इसमें सारी वेजीज भी जो बनाए थे वो भी डाल देते हैं। इसको हम मिला देते हैं अच्छे से। देखिए कितना क्रीमी सा हमारा पास्ता बनके तैयार है। अरे अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। फर्दर वीडियोस देखने के लिए उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऊपर से अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देते हैं। टेस्टी सा पास्ता तैयार है खाने के लिए। एक स्टेप बाकी रह गया था, इसमें हम ग्रेट करके चीज़ डालेंगे। ये अकेले रहने की वजह से ग्रेट करते हुए हम नहीं दिखा पाए, तो इसके ऊपर से चीज़ ग्रेट करके डाल देते हैं। फाइनली ये बन चुका है।